हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज मैं लेकर आई हूं वेंसडे मूवी की जो मेन एक्ट्रेस है जो टीनेजर लड़की है जिसका नाम है वेंसडे आज मैंने उसी का लुक क्रिएट किया है और इस लुक को क्रिएट करने के लिए मुझे बहुत टाइम भी लगा और ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है तो ये वीडियो लॉन्ग इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें डिटेलिंग में दिखाई है और मैंने देखा कि जो यूट्यूबर है मौसुमी कुंडू उन्होंने भी वेंसडे का लुक क्रिएट किया था तो उनके साथ मैंने कोलेबोरेट किया और उसके बाद मैंने उनसे ही इंस्पायर होकर सोचा कि मैं भी वेन्सडे का लुक क्रिएट करती हूँ तो मैंने यहाँ पर लुक क्रिएट किया और लुक क्रिएट करने से पहले मैं थोड़ी सी रिफ्रेश होने के लिए मैंने यहाँ पर चाय ली और ये पहाड़ी स्टाइल में मैं चाय पी रही हूँ तो जो पहाड़ी स्टाइल की चाय होती है ना वो बनती है बिल्कुल फीकी और फीकी के साथ हम लेते हैं गुड़ या मिश्री तो उसके साथ हम इसे खाते हैं इसे कट करके तो ये होती है कटकी वाले चाय तो चलिए अब मैं अपना मेकअप यहाँ पे स्टार्ट करती हूं तो सबसे पहले मैं यहां पर लेने वाली हूं ओले मॉइस्चराइजिंग क्रीम तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ मैं अपनी फुल कवरेज वाली फाउंडेशन वो यूज करूंगी क्योंकि बहुत अच्छा आ, कवरेज देता है बहुत अच्छे से आ, हर आ, डार्क स्पॉट को ये क्लियर आ, ये कवर कर लेता है और इसके ऊपर मुझे किसी भी तरीके का कंसीलर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है तो बहुत अच्छी तरीके से मैं अपने फेस को और अपने ईयर्स को नेक को कवर करूंगी ठीक है तो एंजॉय करते करते वीडियो बना रही हूं मैं और यहां पर जो है ना बनाना पाउडर अप्लाई करूंगी तो आईज के नीचे साइड में ठीक है और चिन के साइड में मैं इस तरीके से बनाना पाउडर को अप्लाई कर लूंगी इससे बहुत अच्छा फिनिशिंग वाला लुक आता है बहुत अच्छा फिनिशिंग देता है ये ठीक है इसे बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करूंगी मैं बहुत इंजॉय करते करते गाने सुनते सुनते वीडियोस बना रही हूं अपनी वैसे भी मैं अपनी वीडियोस को बहुत इंजॉय करती हूं और अब यहां पर मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूंगी सबसे पहले क्योंकि मैं यहां पर डार्क लिपस्टिक लगाने वाली हूं जो होती है ड्राई अब यहां पर मैं अप्लाई करूंगी आईब्रो आईब्रो uh, पेंसिल तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी आईब्राउस को ब्रश कर ले रही हूं अच्छी तरीके से और एक अच्छा सा शेप दूंगी क्योंकि जो वेंसडे है वो एक टीनेजर गर्ल है और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मेकअप किया है तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मोटा नहीं करूंगी मैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर uh, आईब्राउज को शेप किया है तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरी आईब्राउज को मैंने शेप कर लिया है अच्छे तरीके से और अब मैं यहां पर अप्लाई करूंगी आई शेडो तो आई शेडो तो मैं थोड़ा दार डार्क कलर ही यूज करने वाली हूं क्योंकि यहां पर जो वेंसडे है वो हमेशा डार्क कलर की चीजें यूज करती है जैसे कि डार्क कलर ब्लैक कलर की ड्रेस पहनती है ब्लैक ही टाइप के उसने लिप्स किए होते हैं हर चीज उसका जो रहता है वो ब्लैक रहता है ठीक है तो यहां पर मैंने अपनी जो आई शेडो है डार्क ग्रे कलर में उसको मैंने आई शेडो अप्लाई किया है और इसको मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ जो कि मेरी आईज थोड़ी बड़ी सी लगे और अच्छी लगें क्योंकि इसमें जो वेंसडे है ना उसका लुक बहुत अच्छा दिया हुआ है आप देख सकते हैं मैंने कोशिश की है कि मैं उस लुक को क्रिएट करूं उसी तरीके से जैसे उसने किया है और अब यहाँ पर मैं आईलैशेज अप्लाई कर रही हूं तो बहुत लाइट सी नेचुरल वाली मैंने यहां पर आई अप्लाई की हैं तो आप देख सकते हैं मेरी आई लैशेज हो चुकी हैं और अब यहां पर मैं अप्लाई करूंगी आई लाइनर क्योंकि आई लाइनर जो है मैं हमेशा मस्कारा अप्लाई करने सॉरी लैशेज अप्लाई करने के बाद ही इसे यूज करती हूँ जिससे कि बहुत अच्छा सा शेप आ जाता है तो यहां पर इनर कॉर्नर्स को भी मैं अच्छे तरीके से फिल करूंगी जिससे कि मेरी जो आईलाइनर है वो बहुत अच्छी तरीके से लग जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत ही पतला सा कॉर्नर यानी पतला सा विंग निकाला है इसका बहुत ज्यादा मुझे नहीं करना है ये बहुत हम हैवी वैसा वाला लुक नहीं कर रहे हैं हम एक टीनेजर गर्ल का लुक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किस तरीके से आ, मस्कारा सॉरी आईलाइनर अप्लाई किया है तो यहाँ पर आईज का जो काम है वो पूरा हो चुका है ठीक है अब मुझे यहाँ पर क्या करना है काजल अप्लाई करना है। तो काजल अप्लाई करने से पहले मैंने यहाँ पर क्या किया जो डार्क ग्रे कलर था उसको मैंने आ, आईस के नीचे साइड पर उसे अप्लाई किया है हल्का सा ठीक है और अब मैं इसके ऊपर से अप्लाई करूंगी काजल तो क्योंकि डार्क शेड देना है तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब ब्लैक कलर का काजल अप्लाई कर रही हूं तो आप देख सकते हैं मेरी आईज का जो मेकअप है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अब हमें क्या करना है आप देखिए यहां पर मैं अप्लाई करूंगी कॉपर कलर का जो आ, शेड है मेरे पास मैं उससे अप्लाई कर रही हूं कॉन्टोरिंग ठीक है कॉन्टोरिंग मैं किस तरीके से कर रही हूँ आप देख लीजिए ऊपर से एकदम नीचे की तरफ की है जिससे कि क्या होगा जो फेस है बिल्कुल वेन्सडे की तरह लगेगा यानी पतला लगेगा अगर हम इस तरीके से कॉन्टोरिंग uh, करेंगे तो हमारा जो फेस होता है वो बिल्कुल स्लिम लगता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूंगी बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं ब्लेंड करूंगी ताकि ये बहुत ओवर ना लगे और एक फेस को जो है स्लिम लुक दे तो आप यहां पर देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको अप्लाई कर रही हूं सबसे पहले मैं स्प्रे करती हूँ मेकअप फिक्सर ब्रश में और उसके बाद अप्लाई करती हूँ जिससे कि जो प्रोडक्ट होता है वो ईजिली स्किन पर ब्लेंड हो सके और अच्छा सा लुक दे और जो उसका जो नेचुरल कलर है वो दिखाई दे सके ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फेस का जो शेप है वो चेंज हो गया है अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बनाना पाउडर और लिया है जिसे कि मैं अप्लाई कर रही हूं अब आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है क्योंकि मैंने जो कॉन्ट्रोरिंग की थी उसके बाद मैंने इसे अप्लाई किया है और अब यहां पर फिर से मैंने ब्रश में मेकअप फिक्सर स्प्रे किया है और अब यहां पर मैं चिन के नीचे साइड में कॉन्ट्रोरिंग कर रही हूं जिससे कि मेरा जो पूरा लुक है फेस का वो पूरा का पूरा वेंजडे वाला लुक हो जाए बिल्कुल स्लिम फेस हो जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं डार्क शेड हमें चीन के साइड में इसलिए अप्लाई करना चाहिए उससे हमारे फेस का जो शेप है कटिंग्स होती है ना वो बहुत शार्प दिखती है ठीक है अब यहां पर मैं अप्लाई कर रही हूं हाईलाइटर तो बहुत व्हाइट वाला मैंने इसमें ऑफ व्हाइट वाला मैंने हाइलाइटर लिया है जो नेचुरल लगे ठीक है और अब यहां पर लिप्स को मॉइस्चराइज ऑलरेडी कर चुकी हूं तो लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूं और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो यहां पर डार्क शेड की ही मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूं इसका जो कलर है वो बहुत डार्क है और इसको मुझे थोड़ा सा और डार्क करना है यानी इस तरीके का करना है जो थोड़ा सा ब्लैकिश लगेगी तो ये जो कलर है थोड़ा सा डार्क तो है बट इसको Uh, मुझे ऐसा uh, करना है जो ब्लैकिश कलर दे और ब्लैकिश कलर करने के लिए मुझे इसमें ना थोड़ा सा ट्रिक्स uh, यूज करनी पड़ी तो ऐसा तो कुछ मेरे पास था नहीं जिससे मैं इसको पूरा ब्लैक कर सकूं तो इसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पर लिया है मस्कारा ठीक है मस्कारा को मैंने थोड़ा सा टच किया यानी स्मच किया है अपने लिप्स पर और उसको अच्छे तरीके से स्मच कर लिया जिससे कि पूरा लिप्स में जो है वो एक ब्लैकिश कलर आ जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं अब मैं इसको थोड़ा सा स्मैच कर लूंगी ब्रश की हेल्प से ठीक है तो जो लिपस्टिक है उसकी एप्लीकेटर की हेल्प से मैंने इसको आ, कर लिया है डार्क आप देख सकते हैं लिपस्टिक थोड़ी डार्क हो गई है और शेप दे दिया है मैंने आउटलाइन कर लिया है लिपस्टिक का तो लिपस्टिक का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है तो अब यहां पर एक काम और है जो हमें स्किन मेलन की प्रॉब्लम होती है ना फॉरिनर्स को वो वेडनेसडे के फेस पर है तो ये वाली लुक मुझे क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया जो मस्कारा था मस्कारा में से थोड़ा सा लिक्विड लेकर मैंने पेन पे जो पेन होता है जिससे हम लिखते हैं उस पर मैंने टच किया और उससे मैंने अपनी स्किन पर ये स्पॉट्स बनाए तो आप देख सकते हैं फॉरनर्स की स्किन पर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ये चीज होती है उनके स्किन मेलेन की प्रॉब्लम होती है तो ये वाली चीज मुझे क्रिएट करनी थी अपने स्किन पर तो ये मैंने मस्कारा और पेन की हेल्प से मैंने ये चीज क्रिएट की है तो इसीलिए देख सकते हैं आपकी मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा लॉन्ग हुआ है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें इसमें डिटेलिंग में दिखाई है आपको और ये सब चीजें क्रिएट करने में ना ये सब चीजें करने में यानी मेकअप करने में वेन्सडे वाला टाइम लगा है मतलब अगर आप वेन्सडे को देखेंगे तो सोचेंगे कि इतना ज्यादा कुछ नहीं है करने को लेकिन उसका जैसा सेम लुक क्रिएट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो ये थोड़ा डिफरेंट सा लुक मैंने इस बार क्रिएट किया है तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं इसको किस तरीके से अप्लाई कर रही हूं पूरा एक मतलब जो जिस तरीके से ब्लशर रहता है ना स्किन पर उस तरीके से उस वाले पार्ट पर ब्लश वाले पार्ट पर ये स्किन मेलेन की प्रॉब्लम है उसको तो ये मैंने कोशिश की है इस तरीके से क्रिएट करने की तो आप देख सकते हैं यहां पर कर चुकी हूं बट थोड़ा सा वो क्या होता है ना थोड़ा सा आ, फैल जा रहा था वो नेचुरली होता है ना हमारी स्किन तो थोड़ी वैसी होती है तो वो फैल जा रहा था अब यहां पर एक हाथ होता है यार वो जासूसी करता है क्योंकि उसका डैड छोड़कर गए थे उसके लिए जब वो बोर्डिंग स्कूल में रुकी होती है तो यहां पर थोड़ा सा मैं बनाना पाउडर से उसको नॉर्मल कर रही हूं ताकि वो एकदम ड्राई हो जाए तो अब यहां पर मैंने पहना है ब्लैक कलर का ड्रेस जैसे वेंसडे पहनती है और अब यहां पर मैं हेयर स्टाइल बना रही हूं तो हेयर स्टाइल हमेशा जो वेंसडे है वो हमेशा दो चोटी करती है ठीक है तो दो चोटी करके वो इस तरीके से रखती है तो मैं सबसे पहले यहां पर लुक क्रिएट करी और जो आ, एक सॉन्ग है जिसका मैं आपको दिखाया भी था स्टार्टिंग में उस सॉन्ग में उसने एक अलग सा हेयर स्टाइल क्रिएट किया है ठीक है उसका जो हेयर है, स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है तो इसीलिए मैं उस हेयर स्टाइल को रखने के लिए यहां पर आ, दो चोटियों का यूज कर रही हूँ दो चोटी बना रही हूं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले दो चोटी मैंने अच्छी तरीके से बना ली है और अगर अगर मैं चाहती तो इसको दो चोटी भी रख सकती थी बट जो जिस सॉन्ग के लुक के लिए मैंने दो चोटी बनाई है उसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि वो जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा अलग है ठीक है अब यहाँ पर देखिए मेरी दो चोटियां बन चुकी हैं तो ये वाला लुक भी जो था वो था वेन्सडे का तो आप देख सकते हैं दो चोटी बनकर रेडी हो चुके हैं और वेंसडे है ना जो कभी हंसती नहीं है वो हमेशा सीरियस रहती है तो यहां पर अब मुझे क्या करना है वेंसडे के जो सामने वाली फ्लिक्स है ना हेयर्स की वो मुझे दिखानी है तो यहां पर मैंने अपनी ही चोटी स, आ, के बालों से क्या किया है उस लुक को क्रिएट करने की कोशिश करी है तो फ्लिक्स दिखाने की कोशिश की है मैंने हेयर्स के और उसके लिए मैंने यहाँ पर सामने से इसको पिन अप किया है अभी आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा सिंदूर भी लगा हुआ है तो मैं उसे भी अभी कवर कर लूंगी तो पूरा लुक क्रिएट करना है ना इसीलिए तो आप यहां पर देख सकते हैं टिक टैक पिंस की हेल्प से मैं इसको यहां पर ये यह लुक दे रही हूँ तो यहां पर फ्लिक्स मुझे निकालनी है ठीक है और हेयर स्टाइल बनाने में भी थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि वो बिल्कुल सेट नहीं हो रहा था वैसा जैसे वेंसडे का था तो इसीलिए बहुत पिंस का यूज करना पड़ा है मुझे ठीक है और आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अपने हेयर्स को ही यूज करके आ, इस तरीके से वेन्सडे का लुक दे रही हूँ तो ये वाला जो हेयर स्टाइल है ना उसने एक सॉन्ग में अपना ये वाला हेयर स्टाइल रखा था तो इसीलिए मैं ये वाला हेयर स्टाइल बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने यूपिन की हेल्प भी ली है जिससे कि वो जो मेरे हेयर्स हैं ब्रेड है वो इजिली स्टिक रहे एक जगह पर और एक अच्छा वाला लुक आ जाए ठीक है ये एक साइड का तो हो चुका है अब मुझे करना है दूसरे साइड का तो दूसरे साइड भी मुझे इस तरीके से रखना होगा जिससे कि ये बिल्कुल वो वाला लुक दे दे मुझे तो इस लुक को मैंने इस हेयर स्टाइल को करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि अगर आप कोई बहुत डिफिकल्ट सी चीज कर रहे हो कुछ डिफरेंट सी चीज कर रहे हो ना तो उसको करने में ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम जरूर लगेगा बट ये होता है कि हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं इसीलिए स्ट्रगल करना बहुत अच्छी चीज है उससे क्या होता है स्ट्रगलिंग करने से ना हम लोग बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं और जब स्ट्रगलिंग करके आपको कोई चीज मिलती है आप कोई चीज सीखते हैं ना तो उसमें एक अलग ही खुशी होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये वाला हेयर स्टाइल क्रिएट किया और सच में मतलब लग रहा था लुक सेम लग रहा था मुझे लुक तो आप यहां पर देख सकते हैं मैं बहुत सारी पिंस की हेल्प ले रही हूं और लुक को इस तरीके से क्रिएट कर रही हूं और ब्रेड को मैंने थोड़ा सा पीछे साइड से क्या किया था ना उसको स्टिक कर लिया था ताकि वो इधर उधर ना हो उसको नॉर्मली एक लुक जो मुझे देना है वो लुक मुझे मिल जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने सिंदूर को कवर करने की कोशिश की है जितना हुआ है उतना कवर कर लिया है और आप देख सकते हैं हेयर स्टाइल बिल्कुल सेम मैंने वैसे ही बनाया है तो बताइएगा कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा है और आप यहां पर देख सकते हैं ये जो हाथ है ना ये जासूस है उसके डैडी का तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो सॉन्ग था इस सॉन्ग के लिए है आ, डांस विथ माई हैंड्स तो इसके लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है आप देख सकते हैं और यहाँ पर ये लुक कंप्लीट हो चुका है तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक वेन्सडे जैसा लगा है या नहीं और इसके लिए मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया है मेहनत करी है तो आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके और आ, मिलते हैं इसी तरीके के और भी डिफरेंट डिफिकल्ट कुछ अलग से वीडियोज मैं लेकर आऊंगी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ दोबारा से मैं कोई लुक क्रिएट करूंगी तो फिर मैं आपसे मिलूंगी और प्रोडक्ट्स की जो डिटेलिंग है वो आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर टिल देन बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग